हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। गाइस, आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को इस रॉ वाली फ़ोटो को, जो कि दोस्तों एक बहुत ही साधारण फ़ोटो है, तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को इस फ़ोटो को एडिट करके कुछ दोस्तों इस टाइप का आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरीके का आप लोगों को फ़ोटो एडिट कैसे करना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को इरेज किया है, बैकग्राउंड यहाँ पर बदला हुआ है, और दोस्तों जो कलर ग्रेडिंग है वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है कि इस तरीके का आप अपने मोबाइल से फ़ोटो कैसे एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया है, जाकर के आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लेना। एंड दोस्तों उसके बाद में आप लोगों को इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर ओपन कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन में। दोस्तों इस वाले बैकग्राउंड का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया है, जाकर के डाउनलोड कर लेना। एंड दोस्तों इतना करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर पेन टूल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली दोस्तों इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने कई सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक डबल एक्सपोजर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा लास्ट में, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को ऐड फोटो का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपने मॉडल को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए आप लोगों को सिंपली गैलरी में जाना होगा, और दोस्तों जहाँ पर आप लोगों का मॉडल है वहाँ पर जाकर के आप लोगों को या अपने मॉडल को यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने मॉडल को ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने एक मॉडल को चॉइस कर लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस टाइप से यहाँ पर रख सकते हो, जिस तरीके से आप रखना चाहो यहाँ पर रख लेना। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इसका ओपेसिटी आप लोगों को फुल कर देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग पहले देख लेना कि हमारा जो मॉडल है वो दोस्तों अच्छे से यहाँ पर एडजस्टमेंट हो चुका है, और अपने हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जाना है, इसका ओपेसिटी आप लोगों को फुल कर देना है। एंड दोस्तों इतना करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड में नीचे टिक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली दोस्तों इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। एंड दोस्तों इतना करने के बाद में ऊपर आप लोगों को एरो का निशान देखने को मिल रहा है, सिंपली दोस्तों इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को व्यू एडिट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को डबल एक्सपोजर पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों आप लोगों को मिडिल वाले ब्रश पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पर आप लोगों को इन्वर्ट का ऑप्शन देखने को मिला है, सिंपली उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आप लोगों को जो ब्रश है वो दोस्तों कुछ इस टाइप से आप लोगों को चला लेना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये जो बैकग्राउंड है इसका, जो मॉडल का, उसको आप लोगों को इरेज करना है। तो इस तरीके से आप लोग इरेज कर लेना। एंड दोस्तों इतना करने के बाद में अब अपने फ़ोटो को आप लोगों को जूम कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितना ज़्यादा जूम करोगे उतना ही दोस्तों आप लोगों का बैकग्राउंड अच्छे से इरेज होगा। तो आप लोगों को आराम से करते जाना है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो बैकग्राउंड मैं इरेज कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप लोगों को आराम से जितना आप लोग जूम करोगे उतना अच्छी क्लियरिटी से यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो दोस्तों इरेज होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर कर लेना है, जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो इधर भी बैकग्राउंड है, तो इसे भी आप लोगों को इरेज कर लेना होगा अच्छे से। यहाँ पर मैं आप लोगों को जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों बैकग्राउंड इरेज करने में जो दोस्तों आप लोगों का टाइम है वो दोस्तों टाइम बहुत लगता है। अच्छे से अगर आप लोगों को इरेज करना है तो इसमें आप लोगों का टाइम व्यर्थ होगा, तो इसलिए आप लोगों को आराम से करना होगा, जल्दबाजी मत करना। अगर जल्दबाजी करोगे तो आप लोगों का बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से रिमूव नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, और आप लोग भी अच्छे से कीजिएगा। तो जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोगों को अपने मॉडल को यहाँ पर जो मॉडल का जो बैकग्राउंड था वो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इरेज कर लेना है। आप लोगों को आराम से करना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से बताया हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग आराम से करोगे तो दोस्तों आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो दोस्तों बहुत अच्छे से रिमूव होगा। तो सिंपली दोस्तों अब आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ से आप लोगों को कि नीचे से आप लोगों को इस तरीके से यहाँ से इतना कर लीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा लेग्स है वो दोस्तों ग्रास में होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ग्रास में होगा तो ओरिजिनल लगेगा, फेक नहीं ले गया। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना करने के बाद में आप लोगों को नीचे से टिक कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा फोटो है वो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट भी हो गया है और दोस्तों बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। सिंपली दोस्तों ऊपर से आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद में फिर से जाना है आप लोगों को पैन टूल पर। पेन टूल पर जाने के बाद में यहाँ पर आप लोग डबल एक्सपोजर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फिर से आप लोगों को डबल एक्सपोजर पर जाना है और यहाँ पर आप लोगों को ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक फ़ोटो आप लोगों को ऐड करना होगा जिसका लिंक मैं आप लोगों को बाद में डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगा, जाकर के आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रास का पीएनजी है वो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। सिंपली दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिए क्योंकि दोस्तों जो हमारा फोटो है वो फेक ना लगे, इसलिए आप लोगों को ये ग्रास एडजस्ट कर लेना होगा। एंड दोस्तों इतना करने के बाद में अब आप लोगों को नीचे से टिक कर देना है। टिक करने के बाद में अब आप लोगों को करना क्या है कि फिर से जाना है एरो वाले तीर पर। एंड दोस्तों एरो वाले तीर पर जाने के बाद में व्यू एडिट्स पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर डबल एक्सपोजर पर क्लिक करना है और मिडिल वाले ऑप्शन पर आप लोगों को चले जाना है। इतना करने के बाद में दोस्तों अब आप लोगों को अपने फ़ोटो को इस तरीके से रखना है और नीचे से आप लोगों को ब्रश चलाना है। तो ब्रश यहां पर चलाने के लिए आप लोग देख सकते हो मैं ब्रश चला रहा हूं लेकिन नहीं चल रहा है। तो सिंपली दोस्तों इस तीर को आप लोगों को 100 कर लेना है। यहां पर जो डबल एक्सपोजर है वो आप लोगों को 100 कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को चलाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा ग्रास है वो दोस्तों यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों को ग्रास एडजस्ट कर लेना है। एंड दोस्तों नीचे से आप लोगों को टिक कर देना है। एंड दोस्तों इतना करने के बाद में अब आप लोगों को फिर से आ जाना बैक आ जाने के बाद में अब आप लोगों को कलर ग्रेडिंग करना है। तो दोस्तों कलर ग्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को पेन टूल पर क्लिक करना है। पेन टूल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को टून इमेज पर जाना है। इसका ब्राइटनेस आप लोग अपने मुताबिक इंक्रीज कर लीजिएगा, कंट्रास्ट को भी हल्का इंक्रीज, एंड दोस्तों सेचुरेशन को आप अपने मुताबिक रख लेना। एम्बियंस को हल्का इंक्रीज कर लेता हूँ मैं 15। एंड दोस्तों हाईलाइट है, हाईलाइट को भी हल्का सा 9 रख लेता हूँ। शेडो को आप लोगों को हल्का सा डाउन रखना है। एंड दोस्तों आप लोगों को वर्थ पर ऑप्शन आप देखने को मिल रहा है, वर्थ को आप लोगों को हल्का सा डिक्रीज कर लेना है। एंड दोस्तों नीचे से आप लोगों को टिक कर देना है। इतना करने के बाद में अब आप लोगों को जाना है फिर से पेन टूल पर। पेन टूल पर जाने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसका स्ट्रक्चर है वो दोस्तों आप लोगों को इंक्रीज कर लेना है। तो स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह 50 रख देता हूँ। एंड दोस्तों आप लोगों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद में फिर से जाना आप लोगों को पेन टूल पर। पेन टूल पर जाने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्टिव टूल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। अपने फोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद में अब आप लोगों को इसमें जो सेलेक्टिव करके आप लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोगों अपने फेस पर आप लोगों को रख लेना है। एंड दोस्तों इतना करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ से ब्राइटनेस हल्का इंक्रीज कर लेना है, कंट्रास्ट को भी डाल लेना है, सेचुरेशन आप लोग डाल सकते हो अपने मुताबिक, जितना आप लोगों को रखना हो वो यहाँ से आप लोग रख सकते हो। एंड दोस्तों फिर से आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ से आप लोगों को हैंड पर रख लेना है। हैंड को आप लोग ब्राइटनेस करना चाहते हो तो ब्राइटनेस कर सकते हो। फिर से आप लोगों को प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद में इस वाले हैंड पर रखना है और इसका आप लोगों को भी ब्राइटनेस बढ़ा लेना है। तो इसका भी ब्राइटनेस मैं बढ़ा लेता हूँ। इस तरीके से आप लोगों को टिक करके नीचे से टिक कर देना है। एंड दोस्तों टिक करने के बाद में अब आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोटो है उसमें ब्राइटनेस भी हो चुका है। एंड दोस्तों अब स्मूथ करना है, तो स्मूथ करने के लिए आप लोगों को फिर से जाना पेन टूल पर। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा पोर्ट्रेट का, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये ऑटोमेटिक जो आप लोगों का जो फेस है वो दोस्तों स्मूथ हो जाता है। एंड दोस्तों नीचे आना है स्किन स्मूथ अपने मुताबिक रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 100 या 98 के आसपास रख देता हूँ। एंड दोस्तों नीचे आप लोगों को आइस क्लियरिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आइस क्लियरिटी को आप लोग बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पर 53 रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को टिक कर देना है नीचे से। अब दोस्तों इसमें आप लोगों को यहाँ पर ऊपर साइड में कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखने के लिए आप लोग सिंपली करना क्या है, यहाँ पर पेन टूल पर जाना है। पेन टूल पर जाने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ पर आप लोग कोई कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं एक उदाहरण के लिए मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इतना लिखने के बाद में आप लोगों को ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को ऐसे इस तरीके से टैप करके यहाँ पर ऊपर छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग जा कर के कुछ भी आप लोगों को जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, और इसका साइज आप लोग बड़ा छोटा अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। इतना करने के बाद में अब आप लोगों को नीचे से टिक कर देना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा फ़ोटो है वो दोस्तों एडिट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग पहले का फ़ोटो देख सकते हो, ये एक बैकग्राउंड है, और दोस्तों यहाँ पर जो अभी एडिट किया हुआ है वो ये है। तो इस तरीके से आप लोगों को फ़ोटो एडिट करना है। इस तरीके का फ़ोटो आप अपने मोबाइल से भी ले सकते हो, यह कैमरे से लिया हुआ था लेकिन आप मोबाइल से भी ले करके इस तरीके का फ़ोटो एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड दोस्तों अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, जाकर के मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। एंड दोस्तों अब इसे सेव करने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर आप लोगों का डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है नीचे यहाँ पर तीर का, उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सेव इमेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप लोगों का फ़ोटो एडिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।